मेरे प्यारे खुदा, मैंने अभी तक कोई दुआ नहीं की है, तू मेरी दुआ सुन सकता है? खुदाया, मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई का रोना कम हो जाए। जब वो रोता है तो मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। जब वो चुप नहीं होता तो मैं अपनी माँ के लिए परेशान होती हूँ। कल रात उसकी वजह से मेरी माँ सो नहीं पाई है। मेरे खुदा, क्या तू ऐसा कर सकता है? ऐ मेरे खुदा, क्यों मेरा भाई अभी तक दुनिया में नहीं आया? मेरी माँ कहती है कि वो जल्द ही आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैं उसे जल्दी से देखना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उसके लिए चीजें लाना चाहता हूँ, बहुत प्यारा सा छोटा सा कपड़ा लेना चाहता हूँ। मैं अकेले रहने से घबरा गया हूँ। जानता हूँ कि मेरी माँ गलत नहीं कह रही है, लेकिन मैं इंतजार से थक गया हूँ। क्या तू बता सकता है कि मेरा भाई दुनिया में कब आएगा? मेरे मेहरबान खुदा, मैं अपने इन छोटे से हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर रही हूँ। तुझसे मदद चाहती हूँ ताकि कभी भी तुझे ना भूलूं। खुदाया, मेरी मदद कर कि हमेशा तेरी याद और मोहब्बत को खजाने की तरह दिल में महफूज रखूं। जब तू दिल में रहेगा तो फिर मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरूंगी। खुदाया, कितना अच्छा हो कि मैं तुझसे मोहब्बत करूं। जब हम दोस्त हो जाएंगे तो ये दुनिया अच्छी और आराम वाली हो जाएगी। खुदाया, मेरी मदद कर कि मैं तेरी दोस्ती की कद्र करूं, क्योंकि ये दोस्ती दुनिया की तमाम दोस्ती से कहीं ज़्यादा अच्छी है। मेरे मेहरबान खुदा, मैं तुझे बहुत ही दोस्त रखता हूँ और ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे कभी नाराज़ हो। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि तुम मुझसे राज़ी रहे और मुझे दोस्त रखे। मेरे खुदा, आज मेरा डिक्टेशन में अच्छा नंबर नहीं आया। बताना नहीं चाहता कि कितना नंबर आया है, मुझे बड़ा अफसोस है। हालांकि मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मेरी माँ ने भी घर में डिक्टेशन बोला था, मेरे बाबा ने भी देखा था, फिर क्यों मेरे नंबर कम आया? मैं क्यों घबरा गया था? मेरी माँ कहती है कि मेरा दिमाग मुंतशिर था, लेकिन मुझे ज़रा भी टेंशन नहीं था। मेरे खुदा, मेरी मदद फरमा कि दोबारा मेरा नंबर कम ना आए। मदद कर कि अच्छे नंबर लेकर आऊं। खुदाया, मुझे हमेशा से ही दही पसंद है, बर्फ भी अच्छा लगता है, क्योंकि इनका रंग सफ़ेद है, इस वजह से पसंद है। मेरे पास कई सफ़ेद रंग के सूट्स भी है जो मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदे हैं। मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे बाबा के बाल अब सफ़ेद हो रहे हैं। खुदाया, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाए। हमेशा उन्हें जवान और खूबसूरत देखना चाहती हूँ। तू उनका बाल फिर से काला कर दे ताकि मुझे सफ़ेद रंग दोबारा से अच्छा लगने लगे, ठीक है ना? आज मैं और मेरे माँ बाप एक सफ़र पर गए थे। ये सफ़र दूसरे सफ़र से थोड़ा अलग था। घूमने के लिए नहीं गए थे, बल्कि ऐसी जगह गए थे जहाँ सैलाब आया हुआ था। सबके घर बर्बाद हो चुके थे। मेरी माँ खाना और कपड़ा लेकर गई थी। मैं अपनी गुड़िया और खरगोश, जो मुझे बहुत पसंद था, लेकर गई थी। किसी बच्चे को दे दूँ ताकि वो फिर ना रोए। मेरी माँ कहती है कि हमें हमेशा वही तोहफा देना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हो, तो खुदा दुगना करके वापस देता है। खुदा, क्या तुम मुझे गुड़िया और खरगोश दोबारा दे सकता है? खुदाया, मैंने एक गलत काम किया है और अब तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आज जब मेरे टीचर ने मेरे डिक्टेशन को चेक किया तो उन्हें नहीं पता चला कि मैंने एक जुमला गलत लिखा है और उन्होंने पूरा 20 नंबर दे दिया। और मैं भी दूसरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इस वजह से टीचर को नहीं बताया। मेरे खुदा, मुझे माफ़ कर दे, मैं 20 नंबर के काबिल नहीं था, मैंने दूसरे का हक मारा, माफ़ फरमा। मेरे मेहरबान खुदा, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास एक अच्छी सी किताब हो, ऐसी किताब कि जिसमें दुनिया के सारे सवालों के जवाब मौजूद हो, ऐसी किताब जो सब कुछ जानती हो। मेरे बाबा कहते हैं कि ऐसी कोई किताब अभी तक नहीं लिखी गई है। कहते हैं कि तेरे अलावा कोई भी सारे जवाब नहीं जानता है। मैं उन तमाम जवाबों को जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसी किताब मैं लिखूँ
तू सब जानता है, तो क्या ऐसी किताब लिखने में मेरी मदद कर सकता है? क्योंकि बहुत से बच्चों को इन सारे जवाबात को जानना है। मेरे प्यारे खुदा, तू बहुत अच्छा है। मेरा तुझसे बात करने अभी बहुत अच्छा लगता है। मेरी बातें करने को तू पसंद भी करता है, मगर ऐसा कब तक चलेगा कि मैं ही सिर्फ तुझसे बातें करता रहूं? मेरा दिल चाहता है कि तू भी मुझसे बातें करे। तू देख रहा है ना कि मैं कितनी बात कर रहा हूं, किस तरह तुझसे अपना राज बताता हूं। मेरा भी दिल चाहता है कि तू रोजाना मुझसे बातें करे, चाहे वो मुख्तसर ही बात क्यों ना हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तू एक दिन मेरे कमरे में आए और हम मिलकर बातें करें? खुदाया, मैं तुझसे नाराज हूँ, तुझसे गुस्सा होना चाहती हूँ, मगर मेरी माँ कहती है गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मेरा भाई कुछ दिनों से बीमार है, लेकिन तूने उससे अच्छा नहीं किया। मेरी माँ हर वक्त दुआ करती रहती है, मेरे बाबा भी उसे ठीक होने के लिए सब कर रहे हैं और मैं भी दुआ कर रही हूँ। जानती हूँ तुझे बहुत से काम होते हैं। बाबा कहते हैं कि ये तेरी हिकमत है, मगर मैं नहीं जानती कि हिकमत क्या होती है। अगर तू चाहता है कि मैं नाराज ना रहूँ, तो मेरे भाई को अच्छा कर दे। गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन तुझसे गुजारिश करती हूँ कि भाई को ठीक कर दे। सब बहुत परेशान है। ठीक है, तू अच्छा करेगा ना?